पढ़ेंगे ज्यामिति, इंग्लिश में इसका ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री जो है दो शब्दों से बना है, जियो जिसका अर्थ होता है पृथ्वी या बोली भूमि, प्लस मला है यो मैट्री है, मैट्री का जो शब्द से जो लिया गया है मैट्रॉन से लिया गया है। जिसका अर्थ होता है मापन, ठीक है। यानी हम जिस शाखा में पृथ्वी का मापन का क्रिया करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्योमेट्री। इसका दूसरा नाम है रेखागणित। रेखागणित है तो आज हम लोग रेखागणित में ज्यामिति में जो है तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वह है लाइन। पहला जो है मेरा क्या है, लाइन यानी रेखा। रेखा किसको कहेंगे, दो बिंदु, एक बिंदु यहां है एक बिंदु यहां है, यानी दो बिंदुओं को मिलाने से बनता है उससे क्या होता है उसको हमको क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। देखिए दो बिंदु को हम लोग यहां खींचे और ये यहां है, ठीक है। इसका हम लोग कोई भी नाम दे देंगे ए और यहां दे देंगे बी, तो ये मेरा क्या हो गया, रेखा हो गया। तो रेखा में यहां इंपॉर्टेंस क्या है इसमें, तो इम्पोर्टेंस इसमें यह है कि आप इसको हम जो यहाँ पर जो एरो लगाए हैं आप देख रहे हैं दो एरो लगा हुआ है, तो दो एरो लगाया हुआ है इसका मीनिंग हुआ है कि यह हम इसको हम बढ़ा सकते हैं जितना दूर बढ़ा सकते हैं और इसको भी इधर हम जितना दूर बढ़ा सकते हैं। रेखा का ये मेन पॉइंट यही है कि हम जिसको जितना चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, इसका कोई अंतिम जो होता है एंडिंग पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं एंडिंग पॉइंट, जो अंतिम बिंदु होता है वह नहीं होता है, नो एंडिंग पॉइंट होता है इसमें, ठीक है। तो रेखा क्या, रेखा हम लोग किसको कहते हैं, रेखा दो बिंदुओं के मेल से बनता है और रेखा का कोई अंतिम बिंदु जो है नहीं होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, रेखा बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरा हम लोग सीखेंगे रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड दूसरा नंबर में हमारा क्या है, रेखा खंड। खंड इसको लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो हम लोग रेखा लाइन सेगमेंट किसको बोलेंगे, जो रेखा लाइन सेगमेंट में होता है एक निश्चित दूरी का होता है, यह क्या होता है, एक निश्चित लंबाई की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। यानी इसका जो हम लोग पढ़े थे यहाँ पर, इसका जो निश्चित एक दूरी का निश्चित है, यहाँ पर हम लोग देखिए ये दो बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी, ठीक है। तो इसका अंतिम बिंदु है, कोई रेखा है और जिसका अंतिम बिंदु जो होता है निश्चित होता है उसको हम लोग बोलेंगे रेखाखंड। यानी हम लोग सीधी भाषा में यदि कहेंगे तो हम लोग कोई रेखा को ले लेंगे, मान लीजिए इसको रेखा को ले लिए, ठीक है, ये रेखा है, इसको हम लोग खंड कर देते हैं यानी हम लोग इसको काट देते हैं। तो हम लोग यहाँ काट दिए, यहाँ से काट दिए और यहाँ से काट दिए, तो यहाँ से काट दिए तो इसका तो अंतिम बिंदु हो गया, ये अंतिम बिंदु हो गया, ये इसका अंतिम बिंदु हो गया। तो जब रेखाखंड का जो अंतिम बिंदु, रेखा का जो अंतिम बिंदु हो जाता है तो वह क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। तो देखिए ये है इस तरह बना, तो हम लोग रेखाखंड किसे कहते हैं, रेखाखंड के दोनों ओर, ठीक है, कभी भी बढ़ाया नहीं जा सकता है। यानी रेखा में हम लोग क्या क्या करते थे, बढ़ाते थे, लेकिन रेखाखंड में जो है हम लोग कभी उसको बढ़ाने का काम हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसका एंडिंग पॉइंट निश्चित होता है, ठीक है, ये समझ गए।
चलिए हम लोग अब रेखा के बारे में, रेखा भी समझ गए, अब हम लोग चल समझ समझ एक बिंदु, ठीक है। अब बिंदु किसको कहेंगे, देखिए बिंदु यानी ये पॉइंट, ठीक है। पॉइंट किसको कहेंगे, तो देखिए पॉइंट जो है एक निश्चित होता है। यहां हम इस पेंसिल को, ये जो मार्कर है इसको जोर से हम प्रेस कर दिए यहां पर, जैसे जैसे जोर से प्रेस किए तो ये मेरा एक क्या बन गया, ये काला ऐसा एक डॉट बन गया, डॉट बन गया, तो यही मेरा क्या हो गया, एक बिंदु हो गया, पॉइंट हो गया, एक निश्चित निश्चित जिसकी कोई क्या है लंबाई हो ना होता है और ना चौड़ाई होता है, कोई निश्चित इसका लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे। यानी बिंदु का परिभाषा लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, जिसका कोई निश्चित न लंबाई होता है और न मोटाई होता है, वह उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग बिंदु कहेंगे। आ बिंदु से हम लोग वहाँ पर एक बार को सीटेट में प्रश्न पूछा गया है, तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है, ठीक है, एक बिंदु से हम लोग कोई भी रेखा नहीं खींच सकते हैं, लेकिन एक बिंदु से जो है सगामी रेखाएं कितने खींच सकते हैं, तो सगामी रेखाएं आगे में बताएंगे आपको कि सगामी रेखा क्या होता है। तो हम लोग इससे एक बिंदु से हम लोग जैसे यहाँ खींच सकते हैं अनंत रेखा खींच सकते हैं, यहाँ से पार करके यहाँ से खींच सकते हैं, ऐसे करके खींच सकते हैं, यहाँ से खींच सकते हैं, तो ये हमारा क्या है कि बहुत सारा रेखा हम लोग खींच सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं होता है। तो बिंदु का परिभाषा लिखिए, एक स्थिति है जिसकी कोई लंबाई और मोटाई चौड़ाई नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे। किरण यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, रे कहेंगे, ठीक है। रे जो होता है यह इसका नो एंडिंग पॉइंट होता है, नो एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। हम लोग घर में टॉर्च जलाते हैं, ठीक है, टॉर्च जलाते हैं ऐसे करके, टॉर्च ये जलाए हम लोग, ठीक है, ऐसे ये स्विच हो गया आपका, यहां से हमारा रेखा रे निकला, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यही मेरा रे हो गया। इसका कोई कितना दूर तक जाएगा, इसका रुकने का कहीं आप बता सकते हैं, ये कहाँ रुकेगा, जब तक इसको यह रास्ता मिलेगा, यह जब तक अवरोध नहीं आ जाए तब तक यह आगे बढ़ते हुए जाता है। तो यानी सरल भाषा में हम लोग कहेंगे रे जो होता है, ये रे है आपका, यहां से स्टार्ट किया और यहाँ चालू किया, तो इसका कहीं जा कहीं रुकने का इसका नाम नहीं होता है, उसको कहा है एक बिंदु से निकलता है और वह अनंत की तक वह चलते रहता है, इसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रे कहेंगे। चलिए रे हो गया, पॉइंट भी सीख लिए। अब हम लोग सीखेंगे रेखा के बारे में, रेखा कितना प्रकार का होता है, कौन सा रेखा होता है। तो हमारा जो है सरल रेखा, ठीक है, सरल रेखा, ठीक है, यानी हमको इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ये जो यहां से हम लोग खींचे, ठीक है, ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया 7 सेंटीमीटर या कुछ भी हो, तो ये मेरा हो गया एक सरल रेखा होता है। हम लोग सरल रेखा हो गया, अब हम लोग दूसरा करते हैं क्षैतिज रेखा, दूसरा जो है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा यानी इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। क्षैतिज रेखा क्या है, यानी जो रेखा ये
जब ये जो रेखा ये खड़ा होकर नहीं है, सुता हुआ जो रेखा रहेगा तो उस रेखा को हम लोग बोलेंगे क्षैतिज रेखा। यानी इस टाइप का जितना भी रेखा होगा उस रेखा हम लोग क्या बोलेंगे उसको, क्षैतिज रेखा, हॉरिजेंटल लाइन। और जो रेखा खड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्षैतिज रेखा हो गया। अब हो गया है दूसरा है वर्टिकल लाइन। ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। ठीक है, क्षैतिज रेखा। अगर क्षैतिज रेखा को हम क्षैतिज रेखा कैसे पढ़ें, ये सुला हुआ सोयता जैसे जमीन पर लेटा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा बोलेंगे। ऊर्ध्वाधर रेखा किसको बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा में जो अगर यदि ये रेखा को सीधा खड़ा कर दिया जाए तो हम लोग इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा। चाहे रेखा किसी भी तरह का हो वह ऊपर की ओर होना चाहिए, एक एक छोर जो है वह नीचे की ओर होना चाहिए। हमारा जो है पांचवा रेखा हो गया, वक्र रेखा, वक्र रेखा यानी ये कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन। कर्व्ड का ही मीनिंग होता है मुड़ा हुआ। वह रेखा जो मुड़ा हुआ है वो वक्र लाइन कहलाता है। जैसे रेखा इस तरह का मुड़ा होना चाहिए, या ऐसे मुड़ा होना चाहिए, ऐसे मुड़ा होना चाहिए, जिस भी इस तरह भी मुड़ा होना चाहिए। तो ये जो रेखा है, यह जो रेखा है मेरा, यह क्या है, कर्व लाइन है। ठीक है, यानी इसको भी है, ये भी एक रेखा हो गया, ये भी एक कर्व लाइन के अंतर्गत में आता है। अगला रेखा है, खाली ये समझने के लिए आपको इसमें ना परिभाषा आता है ना कुछ आता है, खाली आपको ये कितनी कर्व लाइन है, कितनी ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये सब जो है छोटे छोटे जो 5 क्लास के बच्चे जो क्लास में हैं ये सब फिगर के माध्यम से दिखाया गया है, इसलिए आज इस चैप्टर को हमको इस माध्यम से बताना पड़ रहा है। चलिए छठा जो है समांतर रेखाएँ, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं किसको बोलेंगे, समांतर का क्रमिलोम। जैसे हमारा हम लोग का दोनों हाथ को यदि हम सीधा करेंगे तो हमारा वह क्या होगा, वह समांतर होगा। ये यहां से एक रेखा ये हो गया आपका, एक ये रेखा हो गया, ये दोनों लिखा, ये दोनों दोनों इस रेखा और ये रेखा का दूरी जो है, यानी यहाँ का यहाँ का दूरी 10 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ का भी मीटर, यहाँ का दूरी भी जो है 10 मीटर होना चाहिए, यानी दोनों का समानांतर होना चाहिए, दूरी जो है समानांतर होना चाहिए। जैसे रेलवे ट्रैक है, यह समानांतर दूरी में चलता है, रहता है, यह कभी भी कम बेसी कहीं भी नहीं होता है, जिसको हम लोग यह क्या बोलेंगे, समानांतर रेखा बोलेंगे। समांतर रेखा में एक इम्पॉर्टेंट है, दोनों के जो बीच होता है वहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि समांतर रेखा के दोनों के बीच में जो एक कोण होता है वह कोण कितना डिग्री का होता है, तो वह कोण जो है दोनों रेखा के बीच, ठीक है, दोनों रेखा के बीच, दोनों रेखा के बीच, दोनों रेखा के बीच कितना होता है, कोण कितना डिग्री का कोण होता है, 0 डिग्री का कोण होता है। दोनों रेखा के जो बीच होता है ना वह जो है 0 डिग्री का कोण होता है, ये एग्जाम में आया हुआ है। ये दोनों रेखा के बीच में कौन सा है, ये 0 डिग्री का कोण है। अब हम लोग आते हैं अगला रेखा जो है
लंबवत रेखा है। लंबवत रेखा है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर लाइन। एक हम लोग क्या क्या करेंगे, हम लोग एक रेखा जो है हम लोग हॉरिजेंटल लाइन को खींचते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, मेरा हॉरिजेंटल लाइन हो गया। इसके ऊपर हम एक वर्टिकल लाइन को खींच देते हैं, ठीक है। ये एक लाइन को हम क्या खींचते हैं, ये हम लोग वर्टिकल का लाइन जो यहाँ पर खींच दिए। यहाँ पर जो जिस बिंदु पर जो मिला ना, ये इस रेखा को हम लोग कहेंगे लंबवत रेखा। इसमें दोनों में है, यहाँ पर जो कोण होता है वह 90 डिग्री का, इस पार भी 90 डिग्री का होता है और इस पार भी 90 डिग्री का कोण होता है। जिसे हम लोग क्या कहेंगे, अगर क्षैतिज रेखा में अगर कोई एक सीधी रेखा आकर मिल जाए और जिसका कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री हो, दोनों कोण 90 डिग्री हो, तो उस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, लंबवत रेखा कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे। दूसरा हमारा आया है संगामी रेखा। संगामी रेखा कॉन्ग्रुएंट लाइन, सगामी रेखा। दो या तीन से अधिक रेखाएं जिस बिंदु से होकर पार होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सहगामी रेखाएं कहते हैं। जैसे ये बिंदु है मेरा, यहाँ से पार हो गया लाइन जो है, यह मेरा क्या हो गया, सहगामी रेखाएं कहलाया। इसमें क्या है कि देखिए, दो या तीन से अधिक जो रेखा एक ही बिंदु से पार होता है या क्रॉस करता है, तो वो लोग हम लोग कहते हैं उसको सहगामी रेखा। एक रेखा और है, उसके बारे में भी हम लोग सीख लेते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा किसको कहेंगे, दो असमानांतर रेखा, ये एक रेखा इधर से है और एक रेखा इधर से है। दो असमानांतर रेखा जिस बिंदु पर मिलती है, यानी जिस बिंदु, एक ये समानांतर रेखा नहीं है, यहाँ पर जिसे मिलता है, यहाँ पर जहाँ मिला पर है, इसको यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। इस जो जो रेखा मतलब प्रतिच्छेद किया उस रेखा को हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, और जहाँ पर मिलता है, जो बिंदु यहाँ पर मिला उसको हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेदी बिंदु। तो हम लोग कितना कितना सब पढ़ लिए, हम लोग बिंदु भी पढ़ लिए, रे पढ़ लिए, लाइन सेगमेंट के बारे में भी पढ़ लिए, इतना सारा हम लोग पढ़ लिए। हम लोग जो है अब हम लोग जो नेक्स्ट टाइम में जो है हम लोग जो है अब हम लोग इसका जो क्वेश्चन आंसर है, इसका कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। उसके बाद जो है इस चैप्टर को अगला जो पार्ट आएगा वह अगला पार्ट हम लोग अब पढ़ेंगे।